स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 83 थ्री फॉर क्लास टेन साइंस इन इंग्लिश मीडियम इट इज योर एट्थ फाइव वर्कशीट तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोइंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो ये जो लाइफ प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन एक्टिविटीज से मिलकर बनी है सो so, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की इस वर्कशीट में न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस जिसके अंदर फूड को ग्रहण किया जाता है यानी कि फ़ूड लिया जाता है खाया जाता है और फिर उससे एनर्जी कन्वर्ट की जाती है और अपनी बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हैट्रोट्रॉफिक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है तो सम ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड ऑप्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मेकिंग फूड ऑफ इट्स ओन बाय कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट तो ऐसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं ग्रीन प्लांट्स एल्गी एंड सम बैक्टीरिया करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं सिंपल फॉर्म में अपना फूड लेते हैं जो कि उन्हें किससे प्राप्त होता है उसमें उन्हें तीन मेन चीज़ चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट इसी प्रकार हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फिच हार्व टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड के फॉर्म में एनिमल्स उस न्यूट्रिशन को लेते हैं और फिर उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं बिफोर दे आर यूज फॉर ग्रोथ एंड अप कीप देअर बॉडी और तब जाकर वो उनकी बॉडी के लिए क्या करते हैं उनकी ग्रोथ में लाभदायक होते हैं तो ऑल मैम्स ह्यूमस एंड फनजाई ये सब क्या करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं सिंपल भाषा में समझें तो ऑट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स से जो फूड होता है उसी को ग्रहण करते हैं आगे बढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है ना जिससे प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं वेरी गुड तो ये रिविजन वर्कशीट है आपको शॉर्ट में सारे कंसेप्ट दिए गए हैं सो द प्रोसेस बाय विच आउटर लाइक टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर वाटर फ्रॉम द सॉयल आर देन कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज सो so, सिंपली इस प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स सन से सनलाइट लेते हैं एयर से यहाँ एयर से कार्बन जो भी एयर है एन्वायरमेंट में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो सॉइल है सॉइल से वो वाटर लेते हैं क्योंकि हम पौधों को पानी देते हैं तो मिट्टी में ही देते हैं तो वाटर लेते हैं और फिर वहाँ पर अपना खाना बनाते हैं और खाना किस फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है उनके स्टोमेटा में द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज टू फ्यूल वेरियस सेलूलर एक्टिविटीज़ और फिर इस ग्लूकोज का इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है जितनी भी उनकी सेलुलर एक्टिविटीज हैं प्लांट्स की उसमें और बायो प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें बायो प्रोडक्ट रहता है तो ये इक्वेशन आप लर्न कर लें सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्वेल्व वाटर ओके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें तीन स्टेप्स थे हम पहले भी कर चुके हैं वर्कशीट में सबसे पहले एब्जॉर्ब्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट स्टोमेटास क्या होते हैं स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स जो कि लीफ के सरफेस में होते हैं उसका काम क्या होता है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं तो उसके फंक्शंस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो इनहेल uh, एक्सहेल जो हम बोलते हैं इसी प्रकार से क्या करते हैं प्लांट्स भी स्टोम के थ्रू ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं लूज इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो लूज करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफिरेशन आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रश्न हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो इसका आंसर लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज समर्गेनिज्म सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट क्या क्या है एग्जाम्पल इसके कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है ग्रीन प्लांट्स एल्गी और सम बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ऑल एनिमल्स ह्यूम एंड फंजाई ये सब क्या करते हैं हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल और ऑल ऑफ दी सो वी नो दैट कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑल दीज आर रिक्वायर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटोसिंथेसिस सो दिस इज आर

क्लोज होता है यहाँ पर टी ए और कर लें स्टोमेटा तो ये हो गया हमारे स्टोमेटा की पूरी डायग्राम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में